जम्मू कश्मीर के गांधरबल आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत सात लोगों की मौत। एनआईए करेगी मामले की जांच। गृहमंत्री अमित शाह बोले, आतंकवाद और घुसपैठ हमारे लिए बड़ी चुनौती। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की जांच तेज। एफआईआर से खुलासा, मौके से भारी मात्रा में सफेद पाउडर मिला। सीसीटीवी फुटेज से साजिश की जांच। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 5 बजे बैठक। महाराष्ट्र और झारखंड के उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। सीट बंटवारे पर भी हो सकती है चर्चा। शिवसेना शिंदे गुट आज जारी कर सकता है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मौजूदा विधायकों को फिर से मौका मिलने की संभावना। अजित पवार की एनसीपी भी आज जारी कर सकती है लिस्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर संयुक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी एमवीए। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा संभव। सीट बंटवारे में कांग्रेस की तरफ से देरी से उद्धव ठाकरे नाराज। बहराइच में हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिन की लगाई रोक। उत्तराखंड के चमोली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। नाबालिग लड़की से छेड़खानी के विरोध में प्रोटेस्ट। विशेष समुदाय द्वारा लड़के की पिटाई का भी विरोध। 31 दिसंबर तक इलाका खाली करने की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा बरकरार। दिल्ली के कई इलाकों में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स। यमुना ने फिर ओढ़ी सफेद झाग की चादर।